हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं अथर्व बख्शी की और कैसे पवनदीप और अथर्व बख्शी एकदम सॉलिड जो बोलते हैं ना, मैं हमेशा से जो बोलते आई हूं रब ने बना दी जोड़ी, वैसा प्रूव करते हैं, मुझे हर बार ये लगता है। और आई रियली फाइंड इट रियली रियली एक बनी हुई जोड़ी, गुरु शिष्य भी बनी हुई जोड़ी के साथ आते हैं तो भगवान बनाकर भेजता है। और मुझे सच में लगता है कि पवनदीप और अथर्व की जोड़ी एकदम परफेक्टली फिट हुई है, ऐसी लगती है। फ्रेंड्स, अभी जो इंस्टा पर अपडेट आया है सोनी की तरफ से कि कैसे सारे बच्चे मदर्स डे के दिन अपनी मम्मा को लेटर लिखकर ला रहे हैं और अथर्व जो है वो अपनी मम्मा के लिए लिखते हैं, ओके कि मम्मा मेरे बर्थ के बाद से आपको कई सारी तकलीफें हुई होगी, उनके लिए सॉरी। और सीरियसली जब अथर्व रो रहा था तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए एंड उसकी मम्मा ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। वो भी स्टेज पर आई, अथर्व का जो गाना चल रहा था उन सब के बीच में सब बड़े सुंदर सुंदर से मोमेंट्स दिखाए जा रहे थे। फ्रेंड्स, अब इस बीच होता यह है कि अथर्व को जो इस बार गाना गा रहे हैं वो है लुका छुपी बहुत हुई, ये वाला लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है और एआर रहमान जी का म्यूजिक रहा है इसमें। और अथर्व ना गाते गाते एकदम से उसका गला भर आता है और एकदम जैसे बोलते ना गला रुंध जाना, और उसके शब्द कंठ से निकलते ही नहीं है, गाना तो डेफिनेटली बहुत दूर की बात है। और फिर क्या होता है, आर्टिस्ट्स को हम कभी कभी ना अच्छा अच्छा बोलते बोलते इतना अच्छा बोल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उनमें मानवीय भावनाएं भी होती हैं, वो भी उतने कमजोर हो जाते हैं, वो भी उतने ही बेबस हो जाते हैं, वो भी अपने घर वालों को उतना ही प्यार करते हैं और वो भी शायद अपनी माँ को लेकर उतने ही। और अथर्व तो बच्चा भी है यार, तो ये वाला गाना गाते गाते रुक गया। और अचानक से मुझे याद आया कि लगभग यही सिचुएशन हुई थी पवनदीप की इंडियन आइडल 12 के दौरान, जब कोविड का टाइम था, उन्हें कोविड की वजह से अलग से क्वारंटीन किया गया था और जो भी एक समय गुजारा था। आई थिंक मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, आपको भी बहुत अच्छे से याद है। ऐसे भगवान का नाम लेते लेते पवनदीप, उनके घर वाले और उनके फैंस, और मैंने भी ऐसा किया था कि यार कहाँ चला गया, इसको वापस लेके आओ यार, इसके बिना मजा नहीं आता है शो देखने में। तो वो एक पूरा क्वारंटीन का जो टाइम था वो, और उसके बाद फिर आशीष ऑल्सो ज्वाइन, तो मेरे लिए बहुत दिल दुखाने वाली घड़ी थी वो। बट खैर, वो आप सबकी दुआओं से और अपने अच्छे कर्मों से वापस आए और फिर उन्होंने फिर से गाना शुरू किया। और उसके बाद भी कुछ एक ऐसा टाइम रहा है जिसमें आपको लगता है कि अरे यार पवनदीप की आंखों में वो वीकनेस दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है मैंने ही ऑब्जर्व किया हो, मुझे नहीं मालूम आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, या आशीष को देखकर ऐसा लगता था कि ये इतना पजल्ड क्यों है। बाद में खैर आशीष ने क्लियर भी किया था कि उनको ब्रेन फॉगिंग जैसा हो जाता था कि एकदम से समझ में नहीं आता था कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट इज अ मेडिकल सिचुएशन, आप बाहर निकल भी जाते हैं, आप देखिए दोनों क्या कमाल कर रहे हैं। आशीष तो धमाल है ही, मेरा फेवरेट है ही, पवनदीप तो आप जानते हैं। सो इन सब के बीच पवनदीप जब वो माई तेरी चुनरिया गा रहे थे और एंड देन ही सडनली स्टॉप्ड, और उसके बाद ही जस्ट कुड नॉट सिंग। उसकी मम्मा वॉज लाइक पवन पवन, वो पुकार रही हैं और पवनदीप से बोलते नहीं बन रहा है। ऐसे में सारे दोस्त उनके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जज अनु मलिक साहब खुद बोलते हैं कि देखिए क्या है ना, वो आंखें भीग गई है और गला भर आया है इसलिए आवाज नहीं निकलती है। और यार वो बहुत इमोशनल टाइम था, आई मीन सबके लिए इमोशनल टाइम था, सिर्फ पवन या उनके मम्मा पापा के लिए नहीं थे। और पवनदीप के तो पापा भी बोलते हैं कि तुम शेर हो, तुम डटे रहना, और बहुत इमोशनल मोमेंट था। और कैसे होता ना, ऐसा लगता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यही चीज अब अथर्व के साथ हुई है। पवनदीप बहुत संभले हुए हैं, बहुत कम इमोशन दिखाते हैं, और मैं डेफिनेटली आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब आप छोटे शहर से बड़े शहर में करियर बनाने आते हैं तो आपके इमोशंस पर आपको ढक्कन रख देना पड़ता है। तो वो जो ढक्कन रखा हुआ था ना उस दिन, वो ऐसा लगा कि खुल गया और बहुत सारे इमोशंस बाहर आ गए। सो पता नहीं क्यों ऐसे ही सब याद आ गया, आई थॉट आपसे शेयर कर लूं कि कैसे एकदम सही लगता है ना, एकदम तार जोड़कर रखे हैं पवन और अथर्व के। जितना ऊंचा पवन जाए उसके पीछे पीछे अथर्व भी पहुंचे, जितना अथर्व सुंदर बनता जाए पवनदीप उसको उतना ही आगे गाइड कर सके, ये जोड़ी बनी रहे मैं तो ये कहना चाहती हूं। अब आपका क्या कहना है, क्या आपको भी पवन के उस गाने की माई तेरे चुनरिया वाले इंटरनेशनल 12 के इवेंट या एक वो जो एक वकवा हुआ था, वो जो समय हुआ था, वो पल हुआ था उस वक्त की आपको याद आई या नहीं आई, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।